हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताती हूँ जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में किसी भूत प्रेत का साया है। जिस तरह भिन्न भिन्न चीज़ों के अलग अलग संकेत होते हैं, ठीक उसी तरह प्रेत आत्माओं के मौजूद होने के भी कई संकेत होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इन संकेतों में से आपको कोई भी संकेत एहसास होता है तो सावधान हो जाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो संकेत। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना। अगर आपको अजीबोगरीब जैसे किसी के चिल्लाने की, खुरचने की, पायल की, दरवाज़ा खटखटाने की, कुछ गिरने की आवाज़ें सुनाई देती हैं तो ये संकेत गलत हैं। अचानक इत्र या परफ्यूम की खुशबू आना। घर में किसी ने भी इत्र, परफ्यूम या खुशबू जैसी कोई चीज़ नहीं लगाई हो और उसके बावजूद अचानक ऐसी खुशबू आए तो हो सकता है कि कोई प्रेत आत्मा आपके पास से गुजरी हो। परछाई का दिखना। आपको घर में कभी कभी अजीब सी परछाई दिखाई दें तो पहले इसकी पुष्टि कर लें कि ये परछाई किसकी है, अन्यथा ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जब अचानक तेज़ी से दरवाज़ा बंद हो जाए। घर में अगर कोई कमरा ऐसा है जिसके दरवाजे को हल्का सा पुश करने से वो बहुत ही तेज़ी से बंद हो जाए तो ये संकेत अच्छा नहीं होता। हो सकता है वहाँ कोई अदृश्य शक्ति का वास हो। दीवारों पर खुरचन या धब्बे। अगर घर की दीवार पर आपको खुरचन या धब्बे दिखाई देते हैं तो ये गलत संकेत हो सकते हैं। अपने स्थान पर न मिले चीज़ें। अगर आप चीज़ों को संभाल कर रखते हैं लेकिन फिर भी वो चीज़ें अपने स्थान पर नहीं मिलती और ऐसा बार बार होता है तो ज़रूर कोई गड़बड़ है ऐसा समझना चाहिए। कोई बिस्तर पर बैठा हो, अचानक से आपको कभी लगे कि आपके खाली बेड पर कोई बैठा या लेटा है और अगले ही पल वो गायब सा हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए। कोई पीछा कर रहा हो। अगर आपको बार बार महसूस हो रहा हो कि कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा है तो सतर्क हो जाना चाहिए, ये कोई प्रेत आत्मा हो सकती है। किसी चीज़ का अचानक गायब हो जाना। कोई चीज़ अचानक गायब हो जाए और फिर से आंखों के सामने आ जाए तो ऐसी चीज़ें संभाल कर रखें क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें किसी अदृश्य शक्ति को पसंदीदा हों। रोने या सिसकने की आवाज़ें। अचानक किसी के रोने की या सिसकने की आवाज़ें आएं लेकिन देखने पर कोई भी महसूस ना हो तो सावधान हो जाना चाहिए। जैसे किसी ने छुआ हो। अगर अचानक लगे कि आपको किसी ने छुआ है तो कोई ना कोई गड़बड़ है। घर में कुत्ता बिल्ली का व्यवहार अजीब हो जाना। अगर घर में मौजूद जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली अचानक से अजीब सा व्यवहार करने लगे या फिर अजीब अजीब आवाज़ें निकाले तो गड़बड़ समझनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।